आज आपको एक गाना गाना है और कोई भी आप अपने तरह से कोई भी भजन भी गा सकते हैं जैसे कि आप गाते हो कभी कभी एंड सो आज आपको गाना गाना है एक हम सबके लिए ओके आप लेट्स स्टार्ट। अगर गाना गाना ही है तो हमारी सभी भगवत गीता की सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड गा देते हैं। हाँ। ये रामानंद सागर का जो शो था श्री कृष्ण उसी का सॉन्ग भगवत जब भगवत गीता भगवान सुना मतलब कृष्ण सुना रहे थे तभी ये सॉन्ग हुआ था तो मुझे बहुत पसंद आया था सॉन्ग तो वही सुना रहे थे। बहती रही गीता की गंगा कर्म की धारा भक्ति की धारा अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितमात स्वामी सखा हमारे पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सो आपको गा के कैसे लगा? वाओ वाओ कैसे कैसे चीज या डेफिनेटली आई एम आस्किंग यू। हां तो कोई हां तो गाना तो अच्छा ही लगता है। आपने गाना सीखा है कभी क्या? नहीं कभी नहीं मतलब स्कूल में होता था ना कभी कभार कोई म्यूजिक फंक्शन उसमें गा लेते थे या कुछ सीखा नहीं कभी भी नहीं। तो मतलब कभी सीखने का कुछ मतलब इच्छा? हाँ सीखूंगी बाद में अगर चांस मिलेगा तो कभी। ओके ओके तो क्या मतलब अच्छा और इससे पहले मतलब आपने कभी मतलब कहीं और गीता भजन गाया हो ऐसा कुछ? नहीं नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मुझे खुद बुक रीडिंग बहुत पसंद थी और जो मैंने स्कूल में एक्चुअली भगवत गीता फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे अपने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिले थे। इवन में कभी कन्फ्यूजन मुझे हो जाता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते मैं अपसेट हो जाती हूँ पर्सनली प्रोफेशनली कभी भी मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत होती है तो ऑब्वियसली मैं मतलब भगवत गीता का ही गाइडेंस लेती हूँ। और मुझे लगता है कि होता है ना टीवी से कहीं से सुन के हाँ हमें भगवत गीता तो वहाँ पे सुनाई मिलती है लेकिन कहीं ना कहीं हम वो सुन मतलब वो सुनते हैं वो नॉलेज हमारे अंदर जाता है जो एक्चुअली वो देना चाह रहे हैं। सोचो भगवत गीता का एक एक श्लोक तो हजारों मीनिंग के हो सकते हैं तो वो तो ठीक है लेकिन जब आप बुक से पढ़ते हो ना तो यू डायरेक्टली गेटिंग नॉलेज फ्रॉम माँ सरस्वती तो तब जो नॉलेज आपको ज़रूरत होती है स्पेसिफिकली वही आपको मिलती है तो इसलिए बुक रीडिंग हमेशा ही बेस्ट होती है किसी तरह के गाइडेंस के लिए। और वहीं से मतलब ये गाने वाने का शौक आ गया आपको उसका भजन वजन ऑल दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जो आपका ये वीडियो शूट कर रही हूँ ये कैसा लग रहा है आपको? यू नो मतलब आई एम शूटिंग द वीडियो अच्छा लग रहा है कैमरा पर्सन बहुत अच्छे हैं। ओके सो आप बाय बोल दो सबको फिर बाय हैव अ गुड डे गुड डे किसी तो बाय हैव अ गुड डे भगवत गीता सुनते रहिए और सुनाते रहिए राइट हाँ सुनाते रहिए आगे भी किसी को बाय सो या बाय।